हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म पावन खिंड को लेकर। पावन खिंड जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छी फिल्म है, और बात करें फिल्म को लेकर, ये बेस्ड है जाने माने वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर, जिसे कि रिलीज हुए आज इंडिया में 25 दिन पूरे हो चले हैं। तो बस जानेंगे फिल्म के 25वें दिन की कलेक्शन रिपोर्ट, आज 25वां दिन चल रहा है। तो आपको बता दूँ फिल्म का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। ये एक हिस्टोरिकल पीरियडिकल ड्रामा मराठी लैंग्वेज फिल्म है जो कि हर कोई पसंद कर रहा है। रेटिंग है 9.9। मज़ा आ गया रेटिंग देखने के बाद। और कलेक्शन की बात आती है तो हर दिन एक नई ग्रोथ, हर दिन एक नई ऊंचाई छू रही है ये फिल्म। और इस बात को जानने के बाद शायद आपको हैरानी भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये चीज़ अब आम हो चुकी है। आप इस चीज़ को बैक टू बैक 24 दिनों से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, तो आपको आदत पड़ चुकी होगी। क्योंकि आपको पता है ये फिल्म हर दिन एक नया कारनामा करती है, लेकिन आज अपने 25वें दिन यानी कि अपने चौथे मंडे को थोड़ा सा कलेक्शन ड्रॉप आ रहा है, और ये हमारी है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 लाख रुपए इंडिया नेट से। ये बस रिपोर्ट्स है, ये बस र्यूमर्स है, तो अभी कुछ कहना कंफर्म नहीं है कि कितना कलेक्शन कर सकती है अपने 25वें दिन। और बात आती है इसके ऑल ओवर कलेक्शन को लेकर, तो उसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन हो चुका है अभी तक, टिल नाउ हो चुका है तकरीबन 45 करोड़ प्लस, यानी कि इस फिल्म ने 35 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या कहना चाहोगे पावन खिंड को लेकर, उसके कलेक्शन को लेकर, खासतौर पर इसकी अमेजिंग स्टोरी को लेकर, कमेंट में आपकी राय मेंशन कीजिएगा। और आपने अगर देख लिया तो आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।